हेलो एंड वेलकम टू इंडियन रेसिपीज होम। आज हम बनाएंगे मावा और सूजी की गुजिया, जिसके लिए मैंने ये 2 कप मैदा ले लिया है। 2 कप से थोड़ी सी कम है ये। मैदा में हम घी डालेंगे मोइन के लिए, तो ज़रूरत के हिसाब से घी ले लेंगे। और स्टफिंग के लिए मैंने लिया है 1 कप मावा, 1/2 कप सूजी, 1 कप बूरा, बूरा की जगह चीनी पाउडर भी ले सकते हैं, और 2 टेबलस्पून चिरौंजी, 2 टेबलस्पून खरबूजे के बीज की गिरी, और 2 टेबलस्पून किशमिश, और ये 4-5 इलायची के दाने कूट लिए मैंने। सबसे पहले हम आटा बनाएंगे। इसमें हम घी ज़रूरत के हिसाब से लेंगे मोइन के लिए। ये मोइन के लिए मैंने इतना घी लिया है कि ये बाइंड होने लगे आटा, बस हमें इतना ही लेना होता है। ये मैंने करीब 2 टेबलस्पून के करीब घी लिया है। इसमें इसको अच्छे से मिला लेंगे मैदा में। हमने क्योंकि घी मिलाया है इसमें, तो हम हल्के गुनगुने पानी से आटा गूंथेंगे। आप ऑयल का भी मोइन लगा सकते हैं, तो 2 या 3 चम्मच ऑयल डाल दें इसमें अगर ऑयल का लगाना है तो। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको गूंथ लेंगे। हमें ऐसा डो बनाना है जैसे हम पूड़ी के लिए बनाते हैं। और अब इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे। डो तैयार हो गया हमारा। अभी 15-20 मिनट के लिए इसको साइड में रख देंगे। गैस पे पैन रख के गैस ऑन कर लें। सबसे पहले हम मावा को भून लेंगे। इसे हल्का गुलाबी होने तक भूनेंगे हम। गैस का फ्लेम हम लो पे करके भूनेंगे। देखिए मावा भुनने लगा। गैस बंद कर देंगे और अब इसको हम एक अलग बॉल में निकाल देंगे। और अब हम पैन में 1 चम्मच घी डाल के सूजी भी भून लेंगे। सूजी आप मोटी या बारीक कोई भी ले सकते हैं। इसमें सूजी हल्की गुलाबी होने लगेगी और इसमें से खुशबू आने लगेगी, तब तक भूनेंगे। सूजी भी हम लो फ्लेम पे भूनेंगे। सूजी अच्छी तरह भून गई है, इसको भी निकाल देंगे। और अब मैं इसमें चिरौंजी और खरबूजे के बीज ये भी भून दूंगी। इसमें ड्राई फ्रूट्स आप गुजिया में जो मर्जी डाल सकते हैं अपनी पसंद से, और मीठा भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत तरीके से बनती है गुजिया, खाली मावा की भी बनती है, खाली ड्राई फ्रूट की भी बनती है, लेकिन आज हम मावा और सूजी की बना रहे हैं। इसको भी हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये भी रोस्ट हो गई है, इसको भी हम बॉल में डाल देंगे। अब हम बूरा भी इसमें डाल लेंगे। किशमिश, किशमिश मैं ऐसे ही डाल रही हूँ, भूनी नहीं है मैंने इनको। और इलायची का पाउडर, इलायची दरदरी कूट ली थी मैंने। बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इनको। बूरा को भी छान लेंगे क्योंकि कई बार गांठें होती हैं बहुत ज़्यादा, इसको हाथ से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया हमने। ब्रावन या स्टफिंग तैयार हो गया। ये 1 चम्मच मैदा लिया है मैंने, थोड़ा सा पानी मिला के इसका घोल बना लूँगी मैं गुजिया को चिपकाने के लिए। और अब आटा ठीक कर लेंगे। छोटी छोटी लोइयाँ ले लेंगे हम और उनको इस तरह हाथ से बिल्कुल गोल और चिकना कर लेंगे, जैसे पूड़ी बनाते हैं। इसी तरह सारे आटे की पेड़ियाँ बना के रख लेंगे हम। पूरी के साइज का भी लेंगे इसको, ये ना बहुत ज़्यादा मोटा ना बहुत ज़्यादा पतला। बीच में थोड़ा सा मिक्सचर डाल लेंगे। इसके चारों तरफ पानी लगा लेंगे। और अब इसको ऐसे बंद कर देंगे, अच्छी तरह दबा दबा के बंद कर लेंगे। और इसको इस तरह किनारों पे से थोड़ा पतला करते हुए
और इसको इस तरह फॉक की हेल्प से डिज़ाइन बना देंगे इस पर, जिससे कि ये टाइटली बंद भी हो जाएगी। दोनों साइड से कर देंगे। गुजिया खुलनी नहीं चाहिए हमारी बिल्कुल भी, नहीं तो जब हम तलेंगे तो ये तेल में खुल जाएगी और सारा इसका मिक्सचर स्टफिंग बाहर आ जाएगा। इस तरह बना सकते हैं। दूसरी बनाएंगे। ये हम सांचे से बनाएंगे। इस तरह सांचे के ऊपर रख लेंगे इसको। और चारों तरफ मैदा वाला पानी लगा देंगे, स्टफिंग डालेंगे। स्टफिंग बहुत ध्यान से डालेंगे इसमें, ज़रा सी भी स्टफिंग अगर यहाँ पर आ गई, जहाँ से गुजिया बंद हो रही है यहाँ पे स्टफिंग नहीं आनी चाहिए बिल्कुल, नहीं तो तलते हुए ये खुल जाएगी कढ़ाई में। और इसको बंद कर देंगे ऐसे टाइट से और ध्यान से खोलेंगे। मैं सारी गुजिया इसी तरह बनाने वाली हूँ। इस बचे हुए आटे को वापस हम उस बाकी आटे में लगा लेंगे। इसी तरह सारी गुजिया बेल कर तैयार करके रख लेंगे हम। ये देखिए एक और करके बताती हूँ। पानी लगा देंगे चारों तरफ। स्टफिंग डाल देंगे। और इसको दबाते हुए बंद कर देंगे। एक्स्ट्रा आटा निकाल देंगे। और अब हम इनको तलेंगे। ऑयल हमारा गरम हो गया है, हमें मीडियम गरम तेल में ही डालनी है गुजिया। और हम गैस की फ्लेम को भी मीडियम पे कर देंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो मीडियम लो पे करेंगे इसको। ये मैंने रिफाइंड में तल रही हूँ इनको। इनको थोड़ी थोड़ी देर में पलटते रहेंगे हम। इनको हमें लाइट ब्राउन होने तक लो फ्लेम पे ही तलना है पलट पलट कर। ये देखिए थोड़ी थोड़ी सी गुलाबी होने लगी है। ये दोनों तरफ से अच्छी तरह सिक गई हैं और अब हम इन्हें निकाल देंगे। इसी तरह और गुजिया डाल देंगे बाकी की। कभी कभी गुजिया पलट नहीं पाती है, वो बार बार उछल के वापस आ जाती है, तो उसको दबा दें थोड़ा सा। जैसे ये वाली है तो दबा दें। और ये थी होली स्पेशल गुजिया की रेसिपी। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें, आप बनाएं अपने घर पे और मुझे बताएं कि आपकी कैसी बनी। और मेरी वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छी लगी हो तो। थैंक यू।